सब आप शांति बनाए रखिए, मंत्री के घोषणा सुनिए। महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी दादा हो गए उनको भी आप शांति दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी दादा हो गए उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी दादा हो गए कोई और ज्यादा दिन जिंदा रहे और पोती के सेवा सत्कार ये करते रहेंगे। महोदय 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 माननीय मुख्यमंत्री जी दादा बन गए हैं उनको बधाई तो दे दीजिए। फिर तो सदन में जो हुआ वो देखने लायक था। पहले एक बार आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम आपको विस्तार से सदन के अंदर से बाहर आई खबर का सार बताते हैं। आप शांति बनाए रखिए, मंत्री के घोषणा सुनिए। महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी दादा हो गए उनको भी आप शांति दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी दादा हो गए उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी दादा हो गए कोई और ज्यादा दिन जिंदा रहे और पोती के सेवा सत्कार ये करते रहेंगे। दरअसल बिहार विधानसभा में शुक्रवार को बिजली बिल में बढ़ोतरी को लेकर पक्ष विपक्ष में वाद विवाद चल रहा था। बीजेपी के विधायक सरकार से बिजली दरों में हुए इजाफे को वापस लेने की मांग कर रहे थे। इस पर बोलने के लिए ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव खड़े हुए। उसी दौरान AIMIM के विधायक अख्तरुल इमाम कुछ बोलने लगे। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी उन्हें चुप करा रहे थे और विजेंद्र यादव को बोलने की बात कह रहे थे। तभी ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव मुस्कुराते हुए स्पीकर महोदय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दादा बनने को लेकर बधाई देने की बात कहने लगे। एक बार फिर सुनिए किस तरह अख्तरुल इमाम को जब विधानसभा अध्यक्ष रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसी दौरान ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव कई बार महोदय 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 कहते नजर आ रहे हैं। पहले अध्यक्ष महोदय सदन में हो रहे शोरगुल के कारण विजेंद्र यादव की बातों को सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना अपने स्टाइल में न सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोटि कोटि बधाई दी बल्कि उनकी लंबी उम्र की कामना भी की, ताकि वो तेजस्वी की बिटिया और अपनी पोती को गोदी में लेकर ज्यादा दिनों तक खिलाते रहे। एक बार फिर आप ये पूरा संवाद सुन लीजिए। आप शांति बनाए रखिए, मंत्री के घोषणा सुनिए। महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी दादा हो गए उनको भी आप शांति दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी दादा हो गए उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी दादा हो गए कोई और ज्यादा दिन जिंदा रहे और पोती के सेवा सत्कार ये करते रहेंगे। इधर मंत्री विजेंद्र यादव ने प्रस्ताव दिया, उधर स्पीकर महोदय ने बधाई दी और फिर पूरा सदन ठहाके मारकर हंसने लगा। इस दौरान अगल बगल बैठे तेजस्वी और नीतीश का रिएक्शन देखने लायक था। नीतीश भी मुस्कुराए और बगल की सीट पर बैठे तेजस्वी की पीठ पर हाथ फेरा। तेजस्वी ने भी सिर हिलाकर CM का अभिवादन किया। बगल में बैठे विजय चौधरी भी इस दौरान मुस्कुराते नजर आए। थोड़ी देर के लिए सदन का गर्मा गर्म माहौल हल्का फुल्का रहा और फिर उसके बाद मंत्री विजेंद्र यादव बिजली दर को लेकर सदन को संबोधित करने लगे। आपको बता दें कि पापा बनने के बाद पहली बार तेजस्वी दिल्ली से लौटकर सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने आए थे। तेजस्वी 27 मार्च को पुत्री के पिता बने हैं। चूंकि बिटिया का नवरात्र में आगमन हुआ है, इसलिए दादा लालू ने पोती का नाम कात्यायनी रखा है। आप शांति बनाए रखिए, मंत्री के घोषणा सुनिए। महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी दादा हो गए उनको भी आप शांति दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी दादा हो गए उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी दादा हो गए कोई और ज्यादा दिन जिंदा रहे और पोती के सेवा सत्कार ये करते रहेंगे।